और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के पंजाब असेंबली में पीटीआई और पीएमएल क्योंकि सांसद भिड़ गए। डिप्टी स्पीकर मोहम्मद माजरी पर हमला कर दिया गया। हाथापाई में डिप्टी स्पीकर के घायल होने की खबर है। असेंबली में डिप्टी स्पीकर आते हैं और जैसे ही अपनी कुर्सी पर बैठते हैं तभी सांसदों ने लोटे से डिप्टी स्पीकर पर हमला कर दिया। इस हमले में डिप्टी स्पीकर बुरी तरीके से जख्मी हो गए हैं। ये देखिए पंजाब असेंबली के अंदर की तस्वीरें, किस तरीके से डिप्टी स्पीकर पर यहाँ पर हमला किया गया। जानकारी मिल रही है कि लोटा उनके ऊपर फेंका गया जिसके बाद वो जख्मी हो गए हैं, हालत गंभीर बताई जा रही है। और इसी तरीके से सांसद जो है आपस में भिड़ते हुए नजर आए। पाकिस्तान की पंजाब असेंबली में झड़प हुई है सांसदों के बीच में, और जब डिप्टी स्पीकर वहां पर पहुंचते हैं तो किस तरीके से उन पर वार किया जाता है, लोटे से हमला किया गया है और उसके बाद फिर प्रदर्शन करते हुए पीटीआई और पीएमएलक्यू के सांसद। ये तीन तस्वीर आप देखिए पाकिस्तान असेंबली में किस तरीके से प्रदर्शन होता हुआ और उसके बाद डिप्टी स्पीकर पर हमला किया गया जिसमें वो जख्मी हो चुके हैं, घायल हो चुके हैं, लोटा फेंका गया है उनकी तरफ। जैसे ही असेंबली के अंदर डिप्टी स्पीकर दाखिल होते हैं जो तमाम वहां पर सांसद जो कि आपस में भिड़ते हुए नजर आए उन्हें शांत करने की कोशिश डिप्टी स्पीकर की तरफ से की जाती है, लेकिन उसी दौरान उनकी तरफ लोटा फेंका जाता है जिसके बाद वो घायल हो गए। ये तस्वीर अंदर असेंबली के अंदर की तस्वीर जहां पीटीआई और पीएमएलक्यू के सांसद आपस में भिड़ते हुए नजर आए और इस भिड़ंत में डिप्टी स्पीकर घायल हुए हैं। तो ये तीन तस्वीर आप देखिए किस तरीके से डिप्टी स्पीकर के साथ मारपीट हुई पाकिस्तान में। पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में टीएमसी, आरजेडी और कांग्रेस की बड़ी जीत। बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट से जीते शत्रुघ्न सिन्हा। आसनसोल सीट दीदी का, तृणमूल कांग्रेस का, मामाटी मानुष का हुआ है, जम के काम करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। सोनिया गांधी की आवाज पर हुई कांग्रेस नेताओं की बड़ी बैठक, चुनावी रणनीति का प्रशांत किशोर ने दिया प्रेजेंटेशन। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया गोरखपुर मंदिर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी को एटीएस ने लगाया रासुका, अब आगे एनआईए करेगी मामले की जांच।